समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद पिछले दिनों बिलासपुर में हुई आरएलडी की महारैली के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिला रामपुर के बिलासपुर विधानसभा सीट से आरएलडी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिला रामपुर की बिलासपुर असेंबली सीट काफ़ी अहम मानी जाती है। फिलहाल योगी सरकार में जल संसाधन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बलदेव सिंह औलख इसी बिलासपुर सीट से ही आते हैं। जिले के सबसे ज्यादा किसान भी यही हैं। केंद्रीय सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान बिलासपुर के भी दो किसानों की जानें गई थी, जिसके बाद यहां के किसान बीजेपी सरकार के साथ ही मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी काफ़ी नाराज हैं और अब वो परिवर्तन चाहते हैं। अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। उधर जिले की कांग्रेस कमेटी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि पिछली चार पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े और पार्टी के वरिष्ठ नेता बलजीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से नाता तोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। सपा आरएलडी गठबंधन के बाद बिलासपुर में हुई आरएलडी की महारैली इस बात के साफ संकेत दे रही है कि बलजीत सिंह बिट्टू आरएलडी के प्रत्याशी भी बन सकते हैं। देखिए, मैंने कोई लालच में या किसी चीज के लिए मैंने ज्वाइन नहीं की है। जो पार्टी का, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से आज मुझे प्रोग्राम दिया गया था, मैंने वो प्रोग्राम किया। मैंने कोई डिमांड टिकट की या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो ऊपर पार्टी मुझे हाईकमान कहेगी ये काम करो, वो मैं दरी बिछाने का या किसी भी काम का, वो मुझे देखिए, आरएलडी और समाजवादी का ऊपर हाईकमान का जो आदेश होगा, जो यहाँ से उतरेगा, आरएलडी का उतरे, समाजवादी का उतरे, रामपुर में समाजवादी का हो या कहीं भी हो, हमें मिलके लड़ना है, तो हमें मिलके तन मन धन से हमें साथ में निभाने का। बहरहाल जोड़तोड़ का अमल जारी है। अब देखना होगा कि 2022 के असेंबली चुनाव में जनता का झुकाव किस जानिब होता है। बिलासपुर से रियल टाइम्स नेटवर्क की खास रिपोर्ट।